देर करती नजमा, मुझे तड़पा के तुम्हें क्या मिल जाता है? ये अफसोस नहीं रहता कि मैं अकेली ही तड़प रही हूँ? ये यकीन क्यों नहीं हो जाता कि तुम्हारे बगैर जहाँ भी रहूंगा बेचैन रहूंगा? तो ले चलो जहाँ जी चाहे, दोनों को चैन आ जाएगा। सोचो मत सामने, मैं रास्ते भर कदमों के निशान मिटाती आई, वापस नहीं लौट सकती। अब जिंदगी गुजरेगी तो तुम्हारे कदमों में। पचास रुपए का गिफ्ट क्या करेगी तू? हाय हाय,
सामल का गाना सुनूंगी, सामल का। अरे वो तो तू 5 बजे सुन सकती है। मैं तो 50 वाली कुर्सी पर बैठ कर सुनूंगी, अपने देवता के सामने बैठ कर। क्या कुछ नहीं। अरे पागल, खरीद ले रेडियो, सारी उम्र गाने सुनती रहना। हम तो तेरे फायदे की सोच है राग दी। तुम तो अपना मूल ब्याज की फोटो देने से बहुत तुम्हें चले दूसरी दुकान। अरे अरे नाराज ना हो, ते सब रोज जल्दी करो, जल्दी शो शुरू होने वाला है, दिन से ही रह गए। अरे भैया 50 रुपए ले लो एक टिकट। भाई टिकटें बिक चुकी हैं। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, एक टिकट दे दो, दे दो ना भाई। चल है ठीक है, थिएटर की मालकन आ गई। मालकन सलाम बेगम साहबा। क्या बात है। ये 50 रुपए हैं, पूरे 50 रुपए, वो टिकट खत्म हो गए हैं। आप आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे भी अपने साथ अंदर ले चलिए, मैं अपने सावल का गाना सुनूंगी। तेरा सावल? हाँ बेगम साहबा, मैं तो ख्वाब में भी अपने देवता सावल की आवाज सुनती हूँ। देवता सावल? हाँ बेगम साहबा, मैं तो उनकी पूजा करती हूँ। पूजा साहबा, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। जाती क्यों नहीं, चलो जाती है कि नहीं? जाती हूँ। चलो 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 भागो। अरे हजा रे हजा। अरे हाँ, सावल के सबसे बड़े पुजारन आ गई है। चाचा। अरे खूब आई हो बिटिया, अब हम आपको मॉडर्न थिएटर ले चलते हैं। दोस्तों, मैं इस थिएटर की मालिक होने की हैसियत से आज एक बार फिर मिस्टर सावल को आप लोगों के सामने पेश करते हुए फख्र महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सबको सावल की आवाज से इश्क है, लेकिन आप ये नहीं जानते मैं इनकी पूजा करती हूँ।
खुश हो ना? बहुत खुश हूं। गजब कर दिया लाडले, मैं तो तारीफ करते करते थक गई। तो आइंदा बुराई शुरू कर दीजिए। कुछ करो तो बुरा भी कहूं। खैर, इस वक्त तुम्हारी दावत के मूड में हूं। मैं इतना थक गया कि मेरा सिर्फ घर जाने का मूड है। कल से 24 घंटे के लिए दिल पर पत्थर रख लूं। हेलो मिस्टर सामत, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल फरमाए। शुक्रिया मैनेजर साहब। सामत रोज गाने लगे तो हमें फार के छुड़ जाए, फार के सभी बात है। रंग में निराले रंग में भरे हैं अरमान।
बेचारा रास्ता भूल गया। अरे राही नहीं, आंखों से मौजूद है, लाठी ढूंढे जो बात की है पहले। रागिनी बेटिया, ये हाँपती कांपती कहाँ से आ रही हो? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं चौकीदार बाबा। चौकीदार बाबा, एक दूध हमारा पीछा कर रहा था। चुप रहो। मैं समझ गया, तुम उस बेहया का नाम जानते हो? हमारी बस्ती का नहीं था। अरे इस बस्ती की तो तू लाडली है, किसी की क्या जरूरत कि तुझे मैली आंख से देखी। सूट पहने था, मोटर में आया था। जवानी देखकर तो मोटर वालों की नजरें बंद हो जाती, मगर गरीब की आंखों पर तो बहू बेटी की ओढ़नी का पर्दा होता है। मुन्ने यही था। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबा, तो फिर जरूर कोई भूल हुई। तुम उसे जानते हो? सारी दुनिया जानती है बिटिया। अरे ये तो वही है जिसके गीत तुम सोते जागते गुनगुनाया करती हो, सुर सागर सावल। सावल? बाबा तुम्हें धोखा हुआ है। धोखा हो ही नहीं सकता बिटिया, जिस जगह सावल गाता है ना, वहीं तो मैं नौकरी करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें धोखा हुआ है बाबा। अगर वो सावल था तो उसे देख कर मेरी नजरें बदली क्यों? उस पर कुर्बान क्यों ना हो गई? मैंने मुंह क्यों फेर लिया? मेरा माथा उसके पाँव पर झुक क्यों ना गया? बाबा कह दो वो सामान नहीं था, कह दो ना। जी हैरान न कर रागिनी, ये तू अनजाने की भूल है। जाओ घड़ी दो घड़ी आराम कर, नाच नाच कर थक गई होगी बेटा। मालिक कहाँ थे? मालिक रेडियो वालों ने पूछ पूछ कर मेरा कान पलटा कर दिया, मेरे मातरों की मौत माथे हो गई है। मालिक आप थे कहाँ? आज हजारों दिल आपका संगीत सुनने के लिए ता दिन ना कर रहे थे मालिक। आज भरे बाजारों में मैंने वो आवाज सुनी जो मुद्दतें हुई मौत की वादियों में छोड़ आया था। उसके बाद महंगत मेरे पांव न जाने मुझे कहां कहां लिए फिरे। मुझे होश उस वक्त आया जब वक्त निकल चुका था। Thank you.
बिटिया, उससे तेरी मुलाकात कराने का कोई ढंग निकाल लूंगा। सच बाबा? वादा करता हूँ। अब तो खा लो बाजी खाना। ये हसीन तरीन लड़की कम अज कम मेरी आंखों की तो यही राय। मैं तो सावल की आंखों की राय जानना चाहती हूँ। आंखों की राय जानने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद सब कुछ बता देती है। गले में हारमोनियम तो डाल लिया, ले की तमीज नहीं। तस्बी जब हंसेगा ले में हंसेगा। वाह वाह वाह, आप तो बहुत बड़े गुनी मालूम होते हैं। आपका नाम? बहुत बदकिस्मत हो जो मेरा नाम नहीं जानते। मैं वो हूँ जिसे अच्छन महाराज, शंभू महाराज, उदय शंकर और भूरे खान नजर देते थे, नजर देते हैं और नजर देते रहेंगे। माफ कीजिएगा, आपने ये सब्जी की टोकरी उठाई हुई थी, हम समझे कोई नौकर है। दरअसल हम तो गुदड़ी में लाल है, गुदड़ी में जी, वो तो आप दिख ही रहे। अरे हम एक नजर में कस्बी का अताई और अताई का कस्बी बना देते हैं, समझे? तो फिर कुछ नजर हमारी तरफ भी कीजिए खान साहब। बगैर नजर लिए तो मैं अपने बाप को भी तालीम नहीं देता। 500 लग दो, 11 रुपए ना, हर तालीम के दिन एक सिगरेट पैकेट, 2 स्लाइस मक्का, बार बार 3 गल कप चाय। मंजूर हो तो कल से रियाज शुरू करा दो। ओ भाग डाला। क्या हुआ? अरे समगुम हो गया, अंडिया चूल्हे पर नहीं चढ़ी के मालिक आ गया। आया मालिक, आया। सामन? अरे हाँ, इसी की खातिर तो पड़ा हूँ, शागिर्द है अपना। अच्छा कल नजर लेती आना। हाँ कब से राह तक रहा हूँ। क्यों बाबा? तेरे सावल से मिलकर आया हूँ। सच बाबा? हाँ, वो गाड़ी में सवार हो रहे थे कि मैंने तुम्हारा जिक्र छेड़ दिया। फिर? मैंने कहा मेरे हमसाए में एक बेचारी गरीब लड़की रहती है, वो समझे मदद की जरूरत है, झट से नोट निकाल कर दिए और ये जा वो जा, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। कल फिर कोशिश करूँगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब तुम रहने दो बाबा, मैंने घर देख लिया। आज मैंने बेवक्त चेक करी। नाच भी रही है साहब, मगर बेचारी का पांव थम पर नहीं आता। मुझे नजर दे तो विजयंती माला बना दूं इसे। क्या? जाता हूँ साहब, जाता हूँ।
लेकर ये पहुंचने आई हूँ। दिन को तो तुमने मुंह मोड़ लिया था और रात को ताने उड़ाती आ गई हो, आखिर क्यों? अनजाने में भूल हो गई, गुना बख्शवाने आई हूँ। रागनी खुददार होती है, वो किसी के सामने नहीं झुकती। रागनी, आप मेरा नाम जानते हैं? तो तुम्हारा नाम रागनी, कितना सही नाम है। आओ मेरे साथ। ये देखो, वो देखो, ये सब साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं और ये सब? मगर मैं तो गलियों में गाने वाली हूँ। आज गलियों में गाती हूँ, लेकिन चाहो तो नगर नगर तुम्हारी धूमे हो जाए। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे गले से निकलने वाले नगमे अभी सिंगार के मोहताज है। मेहनत, अनथक मेहनत के रंगीन जोड़े में सजा दो इन्हें, महलों के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। आप मुझे ये सुनहरे सपने क्यों दिखा रहे हैं? मैं तुम्हें सपने नहीं, तुम्हारी मंजिल दिखा रहा हूँ। मैं गरीब ब्याहता हूँ, मुझे कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। आप ये एहसान आप मुझ पर क्यों करेंगे? एहसान तो तुम मुझ पर करोगी। मैंने जब तुम्हारी आवाज सुनी
तो ऐसा मालूम जैसे मेरी खोई हुई आरजू मौत की वीरान से वापस लौट आई है। मैं तुम्हें तुम्हारे सही मुकाम पर पहुंचाकर ऐसा महसूस करूंगा जैसे मैंने एक बहुत बड़ा फर्ज अदा किया है। बारिश आने वाली है, मेरा नन्ना भाई अकेला है। मैं तुम्हें गाड़ी में घर छोड़ा था लेकिन एक शर्त पर कि कल सुबह फिर आओ। आओ आऊंगी। तो चल मैंने कहा नजर लाई। वो तो मैं भूल गई। भूल गई तो तालीम भी भूल जा। बगैर नजर लिए तुम अपने बाप को भी नहीं सिखाता, समझे? उधार नहीं हो सकता खान। उधार नहीं हो सकता खान साहब। अरे उधार तो मेरे गुरु ने भी मुझसे नहीं किया था, मैं तुझसे कैसे कर लूं? चल जा फूट यहां से। अरे जा तो पाओ धातु नाकत। क्या हुआ? अरे अजनबी का घर में देख लेता हूँ तो मुसीबत लिखाता है, जाओ दाखिल। मगर आप तो कहते थे वो आपका बच्चा है। हाँ मगर कभी कभी मेरा बाप भी बन जाता है। जा जा। अरे वो तो इधर ही आ रहा है। इधर आ जाओ। अरे चुप जाओ नहीं तो बहुत हजामत हो जाएगी। साहब ये मुझसे तो तालीम। खान साहब ने मुझे आपके डर के मारे हैं। कौन खान साहब? आप करें बजाय साहब। ये सब जेवर और कपड़े तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आपने ये तकलीफ क्यों की? क्या मैं इन कपड़ों में बुरी लगती हूँ? मेरी नजरों में नहीं, लेकिन दुनिया के बाजार में उन्हीं हीरों की कीमत ज्यादा होती है जो सोने के जेवरात में सजे हो। मोती मिट्टी में अटा हो तो बच्चों के खेल के काम आता है, हाथ में फिरो दो तो ताज की भवन बन जाता है। मिट्टी में अटा हो या ताज में लगा हो, मोती तो मोती ही रहता है। रागनी, दुनिया में हर आदमी जौहरी नहीं होता। अपना लोहा मनवाना है तो अपनी आवाज को बेहतर बनाने के साथ साथ तुम्हें अपने आप को सजाना भी पड़ेगा। इन कपड़ों को पहनकर देखो, शायद तुम्हारी नजरें मेरी बात की गवाही दें।
नौकर ने बार बार आपसे झूठ बोला है। सांवल घर से कभी गायब नहीं रहा, वो 24 घंटे घर के अंदर गुम रहता है। दिन को भी पीनी शुरू कर दी है, अब वो शाम को भी कम पीता है। तन्हा क्या करता है? अब वो तन्हा नहीं, एक लड़की रहती है उसके साथ। लड़की कैसी है? वो बहुत खूबसूरत, मगर आपसे कम। सावल इस वक्त कहाँ है? थिएटर में किसी बहुत बड़े शो की तैयारी कर रहा है। सुनो, तस्वीर को नया शीशा लगवा दो। यहाँ सेंटर में हीरोइन आ जाएंगी और साइड पे दोनों लड़कियां आ जाएंगी। मेरा ख्याल है स्केच ठीक है। जी, लड़कियों ने रिहर्सल कर ली? जी हाँ, लड़कियों ने तो रिहर्सल कर ली है, लेकिन हीरोइन हीरोइन क्या फिक्र न करे, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप ये सेट जल्दी लगवा लीजिए। ओके। हेलो डार्ले। हेलो। शुक्र है थिएटर का रुख भी किया। मसरूफ था। मसरूफियत का नाम राज। कब खुलेगा? ये भी एक राज। लड़ने आई हूँ आपसे। क्यों? इतनी शर्म की बात है, एक नई मैना पाली है आपने और हमें इतला दी है न्यूज़पेपर में। कहाँ है वो, जरा मैं भी तो देखूं। वो थिएटर पहुँच चुकी है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी हाजिर है। तो फिर चलिए। आखिर बात क्या है, उसे सात पर्दों में बंद क्यों रखा है आपने, मुझसे भी छुपाया? मैं तो आदत हूँ, उस पे लट्टू भी हो जाती तो आपका क्या बिगड़ता। जल्दी चलिए, पर्दा उठने वाला है। चलिए।
शाम में शोरत के आसमान पर पहुंचती हो राजी, अब तो खुश हो ना? मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि मैंने आपकी मेहनत को ठिकाने लगा दिया। अब जिंदगी की हर हसर नेमत बनकर तुम्हारी छोरी में खुद खुदा गिरेगी। अब मेरी कोई हसरत बाकी नहीं रही। सारी हसरतें पूरी हो गई? जी हाँ। इतनी जल्दी? जी।
आई ना हो तो दिखाऊं आपकी आंखों में तो खुशियों के मेले लगे हुए। आप मौजूद है ना? जी हाँ। इरशाद, वो लड़की कौन थी आपके साथ? कौन सी लड़की? मेरे साथ तो बहुत सी लड़कियां होती हैं। बनाइए मत, वो जो हाल में आपके साथ बैठी थी। अच्छा अच्छा, वो उनका नाम है नाजली। पेशा है बाप की दौलत को उड़ाना, वैसे मुंह से वो फनकारों की बहुत बड़ी सरपरस्त बनती है। आपसे काफी जान पहचान मालूम होती है, पक्की दोस्ती है ना? जी हाँ, उनकी जमाने भर से पक्की दोस्ती है। अच्छा, अच्छा, अब चलिएगा या उनसे मिलिएगा? जैसे तुम कहो। घर चलिए। मुबारक हो सावल। थैंक यू। इनसे मिलाओगे नहीं हमें? आप लोग एक दूसरे के सामने हैं, खुद ही मिल लीजिए। ऐसा ही सही। आदाब अर्ज़। अस्सलाम, अस्सलाम बेगम साहब, मुझे नाजली कहते हैं। मुझे मालूम है। शायद तुम्हें ये मालूम नहीं, इस शहर में हर उभरते सितारे को मेरी मदद और सहारे की जरूरत होती, मर्द औरत दोनों किस्म को। अच्छी जोड़ फड़की है। एक बार नहीं तो सावल से पूछ लो, हम दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। क्यों सावल? अच्छा, चलिए देर। अच्छा, बाय बाय। करता है? अरे जानता नहीं है रागली बिटिया का घर है? उसके बाप ने खरीदा है ना? क्यों तत्तर करता है? अगर वो चाहे तो सारी बस्ती खरीद सकती है। जानता हूँ, वो मोटरों में घूमती है, बंगलों में रहती है, पर छह महीने का किराया अदा नहीं कर सकती। आज उसका सारा सामान बेचकर पूरा छह महीने का किराया वसूल करूंगा, देखता हूँ क्या करती है। खबरदार, आगे कुछ तो कहना, वरना गुत्ती से दबान खींच लूंगा। अगर हम गरीबों में कोई बड़ा हो जाए तो तुम लोग जलते हो। अरे दादा जा, परे हट, बड़ा आया उसका सगे वाला। खबरदार, ताले पर हाथ न लगाना। तो मालूम है, अरे ये घर तो हमारे लिए अजायब घर है, अजायब घर। जितना किराया हो हमसे ले ले। तो खड़े मुंह क्या देखते हो, निकालो ना फिर। चले, चलता फिरता ना जरा। बड़ा आया वहां से। सारे नौकर मर गए जो तुम सफाई कर रही हो। इस कमरे की सफाई अपने हाथों से करके मुझे बड़ी खुशी होती है। मालिक की खिदमत इस मेहनत से या तो वफादार नौकरानी करती है या घरवाली है। शैतान, रागनी बेगम जरा संभल के, एक सुराही भी टूट गई तब कयामत आ जाएगी। अरे बाबरे, हाँ, ये हर रोज जब सूरज डूब जाता है तो ये खाली सुराहियाँ ले जाता है और रंग बिरंगी भर के ले आता है। आखिर इनमें है क्या जो इनके आते ही सावल साहब दुनिया का हर काम छोड़ देते हैं और मुझे भी छुट्टी दे देते हैं। कसम है मुझे उन घूंघरों की जो नवाब रामपुर ने मुझे नजर किए थे। ये बहुत बड़ा राज है। मुझसे भी छुपाओगे? क्या करूं, मजबूरी। रे 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 रे, रागिनी बेगम जरा संभल के, एक सुराही भी टूट गई तो कयामत आ जाएगी। अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे फन की कितनी कायल हूँ। फिर भी वह समझते हो? समझता तो तुम्हें अपना ही हूँ, मगर मुंह से निकली कोठो चढ़ी बात बहुत दूर पहुँच जाती है। दीवार के भी कान होते हैं रागिनी बेगम। मुझसे तुम्हें क्या डर है? क्या मुझसे भरोसा नहीं? भरोसा तो पूरा पूरा है, मगर जूतों से डर लगता है। तुम्हारी खातिर बतलाई देता हूँ, सुनो। बोलो ना। बोलने लगता हूँ तो जुबान पर ताला लग जाता है, इस डर से कि कहीं साहब मेरा गत थोड़ा गुल ना कर। अच्छी बात है, नहीं बताते तो ना सही, जो मैं तुमसे कभी नहीं बोलता। अरे ना बाबा, ना ना, लड़ो मत, बताए देता हूँ।
मगर देखो कहीं साहब को ना बता देना, वरना पैर की इज्जत हाथ में लेकर तिटकता के दिखना बगैर उस तरह हजामत हो जाएगी। वादा करती हूँ नहीं बतलाऊंगी। अच्छा तो लो फिर सुनो, इन सुराइयों में वो संगीत रसमन है जिसे तानसेन ने पीकर मियाँ की टोडी याद की थी। हाँ, इसका एक कतरा गधे के हलक में टपका दो तो कोयल की तरह कूकने लगता है। यही वो मंत्र है जिसने सावल को जादूगर बना दिया है। इसके दो घूंट पीकर स्टेज पर जाता है तो दुनिया को पागल बना देता है। आप न बता देना वरना वो पूरा तानपुरा मेरे हलक में उठा देगा। नहीं बताऊ, बड़ी मेहरबानी हो गया, ख्याल रखना। गई होश? होश? रात क्या हुआ था मम्मी? मैंने कुछ कहा था, कुछ किया था? वही किया था जो कल रात धोबी दारू पीकर किया करता था। और क्या थी थी? बताओ क्या? सावन मेरा है, मेरा सावन। मुन्ने मुन्ने सुना तूने? नहीं सुना था। अच्छी तरह सुन ले चारे जा। मुन्ने अभी तो क्या, तू तो चादर वगैरह समझती थी, मेरी सारी पैंती खुद नहीं शुरू कर दी। मौसम में गुल है अजब रंग है मैं खाने का, शीशा झुकता है कि मुंह चूम लो प्रभु। मैं इसलिए पीता हूँ कि जल जाए जवानी, और ना किसी शौक के मारे नहीं पीता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बस सुनो बस सुनो, मेरी सुनो, वो चले के दामन मेरे दस ना क्या बात है बाबरे?
देखिए तो सुबह हो गई। थैंक यू। शुक्रिया। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? कोई खास बात है क्या? आप शराब पीते हैं? मैं अकेला तो नहीं पीता। मैंने तो भूल में पी थी। माशाल्लाह कितनी हसीन भूल थी। इसने तुम्हारे आंगन से वो कहलवा दिया जो शायद तुम होश में कभी ना कहती। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक उड़ा रहे हैं। शराबियों पर भरे बाजार में लोग पत्थर बरसाया करते हैं। रानी तुम मुझे ताने दे रही हो? आज मैं दे रही हूँ, कल दुनिया देगी। दुनिया की कोई परवाह नहीं। दुनिया की परवाह ना सही, अपना ख्याल कीजिए। मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। शराबी की खुशी रात का फरेब होती है, वो चोर की तरह अंधेरे में उसकी जिंदगी में आती है और दिन की रोशनी में मुंह काला करके रूपोश हो जाती है। रागनी मुझे लच्चे सुनने की आदत नहीं। आपको सिर्फ शराब पीने की आदत है। आप नहीं जानते, आप आंखें बंद किए बर्बादी की ढलान पर नंगे पांव दौड़ रहे हैं। आज आप कम पीते हैं, शाम को पीते हैं, तन्हा पीते हैं, कल आप बहुत पियेंगे, दिन को पियेंगे, चौराहे में पियेंगे। आज शराब आपकी लौंडी है, कल आप उसके गुलाम होंगे। रानी आप चिल्लाइए, मारिए, कत्ल कर डालिए, मगर मैं मरते मरते यही कहूंगी, शराब छोड़ दीजिए, वरना शोहरत दौलत इज्जत शर्म हया सब आपको छोड़ देंगे। इतना जहर उगल रही हो तो कल रात को तुमने क्यों पी थी? मैं कहती हूँ मैंने भूल में पी थी। ना बावरे मुझे धोखा देता ना मैं पीती। बावरे ने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा था इन सुराहियों में संगीत रसबंद है जिसे पीकर इंसान सुरीला हो जाता है। सच? अरे मालिक इधर आओ। मालिक जल्दी आओ। मालिक मालिक इन सुराहियों में क्या बंद है? इन सुराहियों में मालिक धादिनाथ का मालिक इन सुराहियों में संगीत रसबंद है? नहीं मालिक, इनमें अमृत रसबंद है। अमृत रसबंद है तो ये अमृत रहा तुम पियोगे? मालिक मर जाऊंगा मालिक। मालिक आंदे आज हरकत करोगे? नहीं मालिक, मेरे गुरु साहब की तौबा। क्या मेरे गुरु साहब? मेरे गुरु साहब। इडियट, अब जबकि तुम्हें मालूम हो गया मुझे यकीन है आइंदा तुम कभी ये जहर नहीं पियोगे। जानते हुए कि ये जहर है आप इसे रोज पीते हैं। न जाने क्या बात है रागनी, शाम का अंधेरा छाते ही मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी का सहारा खो गया है, मेरा हाथ खुद ब खुद जाम की तरफ हो जाता है। आप कोई दूसरा सहारा क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम्हारी पलकों पर लड़कते हुए वादों का शुक्रिया, लेकिन रागनी तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने से पहले अपना फर्ज पूरा करना है। तुम्हें अभी फन की दुनिया में बहुत बुलंद मकाम हासिल करना है। हो सकता है रागनी किसी दिन तुम्हारी कामयाबी की खुशी में तुम्हारा जाम सेहत इस जाम को तोड़कर पी डाल। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सॉरी रागनी, शोरत की देवी को आज तुमने अपने पांव पर झुका दिया है। जब भी मैं और तो कुछ ना ला सकी इसे कबूल करो। शुक्रिया, असल तोहफा तो कल दूंगी। कल? हाँ हाँ, तुम दोनों की दावत है ना मेरे घर, आओगे? कल लाडले, कल यही सूट पहनकर आना, खुशी के देवता मालूम होते हो। बाय बाय। बाय बाय। क्या ख्याल है कल दावत में चलोगी? चलूंगी, लेकिन आप ये सूट पहनकर नहीं जाएंगे। आओ खाना खाए।
मिस साहिबा, मेहमान आ गए। वो तो कब से आते जा रहे हैं? जी नहीं, वो मेहमान आ गया है जिसका आपको बेचैनी से इंतजार था। अच्छा जी, सुनो जरा करीब आओ जी। और करीब जी। और करीब जी। और करीब आओ। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। यह मोहब्बत बेहया क्यों है? अभी जी नहीं भरा मेरा, और प्यार करने का मूड है। ज्यादा जिद करोगे तो कभी प्यार नहीं करूंगी।
बात तक नहीं करूंगी। ऑलराइट। कहाँ गायब हो गई थी? सारा नजर आया था। फिर वह निकला। चलो अंदर चले, दादी अकेली होगी। जी चलिए। रागनी किधर गई? यही कहीं होगी, यहाँ तो नजर नहीं आती। She's gone, चली गई। कौन? मालिक, ये नाश्ता किसका है? रागनी बेगम का मालिक। क्यों? आज वो अपने कमरे में नाश्ता करेंगी मालिक। नाश्ता नहीं करना, वापस ले जाओ, ले जाओ। इतला मिली थी कि मलका मौजूदा मूड में नहीं है, डाइनिंग टेबल तक आने की जहमत नहीं गवारा कर सकती, इसलिए बंदा खुद हाजिर हो गया। नाश्ता कीजिएगा। मालूम होता है मलका मौजूदा को गुलाम से बात तक करना गवारा नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो तो कल से ठीक नहीं, होती तो हुजूर पार्टी से दिन कहीं चली ना आती, होती तो मेरे बार बार दरवाजा खटखटाने पर इतना पूछ लेती कि बात क्या है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके तौर तरीके वापस लौट रहे हैं। सच कहा आपने, मैं गलियों में नाचने वाली, आप और नाजली जैसे ऊंचे लोगों के तौर तरीके क्या जाना। आज जिंदगी में पहली तरह तुम्हारे होंठों से जहर बैठा हुआ देख रहा हूँ। इसी जहर से बचाने के लिए कल से आपसे दूर हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। डरिए नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं। मालूम होता है दौलत और शोहरत तुम्हें रास नहीं आई। ठीक कहा आपने, मैं अपनी झोंपड़ी में बहुत खुश थी, इन चमकीली दीवारों में मेरा दम घुटने लगा। तो अपनी जान पर जुल्म क्यों करती हो? शौक से गलियों की गंदी फिजा को लौट जाओ। गलियों की फिजा गंदी सही, लेकिन उनमें बसने वालों के दिल पाक होते हैं, उनकी आंखों में हया होती है, वहाँ कोई नाजली नहीं होती। नाजली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उस पर कीचड़ उठा रही? माफ कर दीजिए, भूल हो गई। आइंदा आपकी नाजली को कभी कुछ न कहूंगी। मुझे मालूम न था तुम इतनी तंग दिल साबित होगी। किसी लड़की से बेतकाली से बात करना कोई जुर्म नहीं, हसद ने तुम्हें अंधा कर दिया। मुझे मालूम न था कि बेतकल्लुफी का मतलब बदमाशी होता है। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? गलियों में नंगे पांव नाचने वाली, जिसने कमखा की जूती पहनते ही मेरे सर पर सवार होना शुरू कर दिया। रागनी कैसी? दिमाग को गर्मी चल रही। डॉक्टर को बुलाया? नहीं, उसके सर पे बर्फ रखने की जरूरत है। ओह गॉड, ये कौन सी बीमारी है? एकदम नई? नई नहीं, बहुत पुरानी है। इसके कई नाम है, हसद, जलन, तंग दिली। लेट्स गो। कम ऑन।
तुम तो पसीने में डूब रहे हो, और पियो, मेरी जुल्फों की छांव में दम ले लो। मेरी तपिश फिर भी कम ना होगी नाजली। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी एक तपता हुआ सहरा बन गई और मैं उस पर नंगे पांव दौड़ रहा हूं। जरा गौर से देखो सामर, तुम्हारे कदमों में एक खामोश चील तुम्हारी प्यास बुझाने की तमन्ना में सिसक रही है। तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा, एक इशारा काफी है, पानी उछलकर तुम्हारे होंठों को सैराब कर देगा। लाओ मैं पिलाऊं तुम्हें। क्या मुजमा, आपके मिजाज ठीक होगा या नहीं? इन चमकीली दीवारों में मेरा दम घुटने लगा है। इन चमकीली दीवारों में मेरा दम घुटने लगा। जरा दम ले, मैं बस्ती में खबर कर आऊं, सब खुशियां बनाएंगे। नहीं चाचा, किसी को इतला न देना। मैं तो छुप कर अपने जख्मों पर मरहम लगाने आई हूँ। मुझे बता बेटी, किसने तुझे दुख दिया? मैं उसका खून पी लूं। चाचा, उसे तो मेरी उम्र भी लग जाए तो मैं समझूंगी मैंने मुराद पा ली। आज इस घर में इतनी उदासी क्यों है? चमके कोयल बोले हेलो बाबरे, हेलो। ओ आप सब ठीक है? आपकी दुआ से जिंदगी तीन ताल में गुजर रही है हुजूर। गुड, वेरी गुड। तुम्हारे साहब अंदर हैं? 16 मात्रे मौजूद हैं। गुड, मगर वो मिल नहीं सकते। क्या मतलब है? नौदरी हुक्म है, परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन ये हुक्म मेरे लिए नहीं हो सकता। उनका हुक्म सावन की झड़ी है हुजूर, महल झोपड़ी सभी तर हो जाते हैं। जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मैं क्या जमाना जानता है। याद रखो, मैं निकलवा दूंगा। हाँ, अगर मैंने हुजूर को अंदर जाने दिया तो यकीनन निकाल दिया जाऊंगा। मुझ पर रहम कीजिए हुजूर, वरना एक बहुत बड़ा कथिक भूखो मर जाएगा। ओ यू इडियट, किस कथा की दिग्न धो। जल्दी करो ना, तुम्हें भी पानी भरना है। दो दिन मोटरों में घूमी है ना,
तो दो बरस बनाओ सिंगार नहीं छोड़ेगी। कौवा चला हंस के साथ तो अपने भी भूल गया। क्या हुआ मुन्ने? बस्ती के सारे लड़के मजाक उड़ाते हैं, कोई नकली बाबू कहता है, कोई टूटा सांप। बाजी हम यहाँ से चले क्यों ना जाए? नहीं मुन्ने, मैं किसी दूसरे शहर नहीं जाऊंगी अभी। मैंने नहीं नहीं, चल तो मेरे साथ चल के खेल, चल मेरे साथ। मालिक। क्या ये? क्या कपड़े हैं मालिक, और बाहर गाड़ी आपका इंतजार भी कर रही है। क्या वक्त है? मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। आपने तो कुछ नहीं कहा मालिक, मगर मेरे दिल ने मुझसे बहुत कुछ कहा। तुम्हारे दिल? हाँ मालिक, कल से आप खामोश हैं, तन्हा हैं। मेरे दिल ने बार बार मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूं, बाहर निकलिए, घूमिए। तन्हाई में लोग बावले हो जाते हैं, दीवारों से बातें करने लगते हैं मालिक। मैं सितारों की गर्दिश नहीं बदल सकता बावरे, तकदीर ने मेरी किस्मत में तन्हाई लिख दी है। तकदीर अपने हाथ होती है मालिक। मालिक मैं रागिनी बेगम को बुला लाऊं? नहीं बावरे, वो खुद आई थी, खुद ही चली गई। आइंदा कभी ऐसी जरूरत न करना, जा सकते हो बावरे। तो ये आंख में चोली आप खेल रहे थे? आंख में चोली तो आप खेलते हैं, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गई। लेकिन मैं तो कमरे में मौजूद था। दरवाजे पर पहरे लगे हुए थे, बामरे ने दरवाजा तक खटखटाने न दिया। बेचारे ने उनकी तामील की। दरअसल मैं आजकल कुछ परेशान था। परेशान तो मैं भी बेहद हुई। मुझे इसका अफसोस है, बाहर आ रहे इस गुलदस्ते का शुक्रिया। गुलदस्ता? ऑफ कोर्स गुलदस्ता, आपसे मिलने की उम्मीद तो थी नहीं, सोचा कि निशानी छोड़ जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। नहीं मैं तो आपको ले जाने आई हूँ। इस वक्त कुछ काम है। मेरे तबीयत ठीक नहीं। इस तन्हाई में तो और भी बिगड़ जाएगी। मेरे बाग में चलिए, एक चांद आसमान पर आपकी आस लगाए बैठा है, दूसरा जाम में पड़ा राह तक रहा है। चलिए तो सही, आपकी उदासी को घुंघरों की एक ही झनकार में गुम न कर दूं। तो नाम नाजली नहीं, प्लीज लाडले, चलो ना, चलो भी। अच्छा आप नहीं ठहरे, मैं कपड़े बदलता हूँ। आप तशरीफ ले चले, मैं अभी हाजिर होती हूँ। इंतजार की घड़ियां मुश्किल से करती हैं, शौक फरमाइए। आइए, इंतजार की घड़ियां बीत गई।
बार रूप बदलकर मेरे सामने क्यों आ जाती हूँ? इस उम्मीद पर कि शायद कोई रूप तुम्हें पसंद आ जाए। आदावर था सामल साहब। आदावर, ये देखा आपने? पढ़ चुका। फिर क्या इरादा? सोचा तो था कि कुछ दिन आराम करूं, लेकिन बन्ने खान का चैलेंज कबूल ना किया तो मौसीकी के प्रस्ताव मायूस हो जाएंगे। आप मुकाबले की तारीख का ऐलान कर दीजिए। मेरी राय में आप कुछ रियाज कर लें। बाबा जी शराब लाओ। जी शराब? मैंने रियाज के लिए अर्ज किया था। वो बन्ने खां को करने दीजिए। तो फिर मैं मुकाबले की तारीख का ऐलान किए देता हूँ। जी मालिक, बहुत पी चुके, अभी आपको गाना भी है, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन।
ये गलत है। सामल नहीं हारा। इस वक्त सामल के गले में उसके सुर नहीं शराब बोल रही है। उसके सुर इस गले में तड़प रहे हैं। मौसीकी का मतलब सिर्फ तान पलटा ही नहीं बल्कि सुर का लगाव भी है, जैसा मैं पेश करती हूँ। जाने दो नागली। वो बहुत दूर चली गई है,
उसका पीछा मत करो, लाडले ठोकर खा जाओगे। मुझे गुमराह मत करो, आज मुझे यकीन हो गया है कि राजनी मेरी। यही एहसास दिलाकर तो वो तुम्हें अपना दीवाना बनाए रहती है। अगर वो वाकई तुम्हारी है तो तुम्हें इस हालत में क्यों छोड़ गई? मत भूलो कि आज उसने मेरी इज्जत बचाई। उसने सिर्फ अपनी इज्जत बढ़ाई है, वो खुद गर्व सिर्फ अपने आप को चाहती है। वो सिर्फ उस वक्त तक तुम्हारे साथ रही जब तक तुम इल्म के खजाने उस पर लुटाते रहे, झोली भरते ही चली गई। नाज़ली मैं क्या करूं, बिल्कुल उलझ गया। तुम्हारी उलझन का हल मेरे पास है लाडले, आओ मेरे साथ आओ, आओ ना। बाजी तुम भी अजीब हो, कल कह रही थी मैं बस्ती कभी नहीं छोड़ूंगी, आज सामान बांध रही हो। हाँ मुन्ने, मैं समझती थी यहाँ चैन नसीब होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला, दुख बढ़ गया है। अब हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। कि आज से मॉडर्न थिएटर बंद कर दिया गया क्योंकि थिएटर के रूह रवां में मिस्टर सावल ने गाना छोड़ दिया। हर का मजमून तैयार कर लियो, सावल अब मारो कंपनी में काम करेगा। बहुत अच्छा सेठ जी। सेक्रेटरी जी, है जी, तुम भी अखबार में दे दो कि सावल अपनी कंपनी में काम करेगा। जी 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 जी। सेक्रेटरी जी, सेठ जी, जानते हो ना शामिल सिर्फ बड़ो कंपनी में काम करे हैं। ठीक है सेठ जी। सेक्रेटरी जी, है जी, पर तू जानता है ना कि बड़ी कंपनी का मतलब मोती तोड़ नहीं होने का। जी जी जी। क्या मतलब? तुमने कुछ अपुन से बात की? तुमने तोंद का इशारा मारो तोंद से किया है, इधर दादागिरी नहीं चलेगा। हाँ, अपुन ने तोंद का इशारा सिर्फ तोंद की तरफ किया। जी 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 जी। तुमने मारो इज्जत खराब किया, हम तारो इज्जत खराब कर। अबे चाचा, हम बिक जाएगा मगर सावन को नहीं छोड़ेगा। अपन भी दिवाले हो जाएगा पर सावन को अपनी कंपनी में काम कराएगा। हाँ, सावन कहीं काम नहीं करेगा। क्या? मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करना नहीं चाहता। आप लोग जा सकते हैं, प्लीज गो। तुम अपन की कंपनी में मुलाजिम हो जाओ और तुम मारो कंपनी में। हाँ ठीक है, तुम्हारो एडवांस। ये तुम्हारो एडवांस। हाँ साहब जी, नमस्ते। आप कुछ दिन आराम कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए, सामन एक न एक दिन जरूर थिएटर वापस आएगा। लेकिन मुझे यकीन है आप उसे वापस न ला सकेंगे। तो फिर और कौन लाएगा? वो जिसका किसी को इल्म नहीं। कल बाजार चलेंगे। नहीं बाजी, कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। तो खाएंगे कहाँ से? कल से मैं काम पर जाऊंगा। दिमाग सही है तेरा, तू क्या काम करेगा? बोझ खाऊंगा, लकड़ी काटूंगा, लेकिन लेकिन तुझे बाजार में नहीं डालने दूंगा। अच्छा रे, अच्छा।
आ गया मिलने। बता कितने पैसे कमा कर लाए। मुझे नहीं बाजी, पैसे आज नहीं कल मिलेंगे। तो फिर मुझे क्यों नहीं खोलते? खोल दे मुझे। इन स्कूल से आते ही क्या हालत बना ली तूने बाजी? कल से तेरी बाजी काम पर नहीं जाने देगी। मैं खुद गली कूचों में जाऊंगी। मेरे मुन्ने, चल मुन्ने। अभी आई। ये कहाँ की शराफत है नाजरी, यानी हमारे बगैर पार्टी उड़ाई जा रही है। वैसे तो मुझे डार्लिंग डार्लिंग कहती हो, और जब पार्टी होती है तो मुझे फूल जाती हो। ये कोई इंसाफ नहीं। मेरी बात सुनो बॉबी। मैं कुछ नहीं सुनता। बैरा, विस्की लाओ। बैरा मत लाना। ओ प्लीज बॉबी, मेरी बात सुनो। तुम कितने अच्छे हो। ऑलराइट ऑलराइट। तुम बेवकूफ मत बनो बॉबी। मैं तो सावन को बेवकूफ बना रही हूँ सिर्फ थिएटर की खातिर। तुम तो जानते हो उसने गाना छोड़ दिया है। अब मैं उसे पुचकार कर फिर स्टेज पर लाना चाहती हूँ। और तुम ये भी जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारी। ओह नो बॉबी, प्लीज गो डार्लिंग। अच्छा, जाता हूँ। किस तरह
ये दिन रात न पूछो, आहों के सहारे कभी आशकों के सहारे इस शहर खराबी में। अब रात ढली, कब रात ढली, ये तो अंधेरों का समा है, अंधेरों का समा है, वीरान है तेरा की तरह खाब हमारे इस शहर खराबी में, गमे इश्क के मारे जिंदा है यही बात बड़ी बात है प्यारे इस शहर खराबी में। अरे सावल। अरे कौन सावल, ये तो का बात था, सावल एक ही तो है। हकीम जी को आंखें दिखला, इस बस्ती में सावल का क्या गुजर, वो तो इस वक्त महलों में चैन की बंसरी बजा रहा होगा। महलों में चैन की बंसरियां नहीं बजती दोस्त, बदनसीबी के साजों पर दर्द के नगमे सुनाई देते हैं, उदास कमरों में तन्हाइयां गुनगुनाती। कैसी बातें करते हो सुरखे राजा, तुम और तन्हाई, थिएटर में हजारों की दाद तुम्हारे साथ होती है और घर में लाखों दुआएं तुम्हारी हजूरी में खड़ी रहती हैं। दाद मुझे नहीं, मेरी आवाज को मिलती, और वो भी तो धन वालों की जागीर है। राजा आज दुखी होकर दुखियों के डेरे आए हो तो दिल की पुकार सुनाते जाओ, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा और हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तुम नहीं जानते कि हम लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। प्यार? है कोई ऐसा जिसको मुझसे प्यार है, कोई नहीं कोई नहीं है, कोई ऐसा जिसको मुझसे प्यार है, कोई नहीं कोई नहीं है, कोई ऐसा इस दुनिया में कौन मेरा गमखार है, कोई नहीं कोई नहीं है, कोई ऐसा। डूब गए आस के तारे, डूब गए हैं आस के तारे, टूट गए हैं संग सहारे, टूट गए हैं संग सहारे, इस दुनिया में कौन मेरा गमखार है, कोई नहीं कोई नहीं है, कोई ऐसा।
पुकारे हम दिल वाले किसको पुकारे हम दिल वाले कौन सुनेगा दर्द के नाले इस दुनिया में कौन मेरा गम हार है कोई नहीं कोई नहीं है कोई ऐसा नाम किसी का ना कोई मेरा छाया चारों ओर अंधेरा छाया चारों ओर अंधेरा इस दुनिया में कौन मेरा गमकार है कोई नहीं कोई नहीं है कोई ऐसा जिसको मुझसे प्यार है कोई नहीं है कोई ऐसा कोई नहीं मालिक आज पहली बार शराब को आप पर हावी देखा है निकल जा आज शराब आपकी लौंडी है कल आप इसके गुलाम होंगे आप बर्बादी की ढलान पर नंगे पांव दौड़ रहे हैं छोड़ दीजिए वरना इस दौलत क्षण भैया सब आपको छोड़ देंगे गलियों की सजा गंदी होगी लेकिन उनमें बसने वालों के दिल पाक होते हैं उनकी आंखों में हया होती है वहाँ कोई नाज भी नहीं होती वहाँ कोई नाज भी नहीं होती वहाँ कोई नाज भी नहीं होती मिस रागनी ओ मैनेजर साहब आपके मिजाज कैसे हैं अच्छे आप कहिए थिएटर छोड़कर इन पहाड़ों में क्यों घूम रहे हैं नए चेहरों की तलाश है क्या अब नए चेहरे ढूंढकर क्या करूंगा थिएटर तो उजड़ गया थिएटर उजड़ गया मॉडर्न थिएटर की तकदीर देखकर चलने लगे उनकी चलन ढंग लाई बांसुरी खो गई तो क्या हुआ सावल का जादू तो सलामत रहा बांसुरी के खोते ही वो भी टूट गया सावल ने गाना छोड़ दिया और थिएटर उजड़ गया वापस चली चलो मिस रागनी आप इतमान से बैठे तो लेकिन मेरे सवाल का जवाब
वो भी मिल जाएगा। सावन साहब, मैंने बहुत दुनिया देखी है लेकिन रागिनी जैसी लड़की नहीं देखी। हीरो में खेल सकती है लेकिन कंकरों पर नंगे पांव नाचती है। कम खाब पहन सकती है लेकिन दूसरे जोड़े को मोहताज है। हजारों पे हुक्म चला सकती लेकिन बर्तन मांझते मांझते उसके हाथों में गट्टे पड़ गए। मैंने दलीलें दी मिस्टर सावल, हाथ जोड़े मिन्नत की कि वो लौट आए, लेकिन उसने हर बार यही कहा, मैंने सावल को इसलिए नहीं चाहा था कि वो मेरा हो जाए। मैंने तो परस्तिश की थी, मैंने अपने देवता से मुराद मांगी थी कि प्यार का दिया हमेशा मेरे सीने में जलता रहे। वो नहीं बुझेगा, सावल मुझसे दूर नहीं, वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने मौजूद है। मैं जिंदगी भर परस्तिश करूंगी लेकिन उसकी दुनिया में लौट कर कभी ना जाऊंगी, कभी ना जाऊंगी। जाने क्या बात है मिस्टर सावल, ये कहते कहते जब नजरें मेरी तरफ उठाई तो मुझे यूं महसूस हुआ गोया उसकी दोनों आंखों में हसरतों के लाशें तड़प रहे। सावल, कहां जा रहे हो? रागिनी रूठ गई, उसे मनाने जा रहा। कोई इतराज? बहुत बड़ा इतराज है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रागिनी का पीछा छोड़ दो सावन, मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डालने को तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दिन में कितनी बार कितने मर्दों को यही कुछ कहती हो। मुझे गलत ना समझो सावन, ये अल्फाज मैंने आज तक किसी दूसरे से नहीं कहे, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, दुख से शरीफों का हिस्सा है। सावन, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। होश में आओ सावन। कब का आ चुका? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे छोड़कर रागिनी की तलाश में जा रहे हो। रागिनी जो गंदगी में पैदा हुई, गलियों में जवान हुई, जिसकी जवान मुस्कुराते कौड़ियों की मौज की, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसके माँ बाप का पता नहीं। ये तोहीन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सावन। बावरे जी। मालिक, तुम सामान होटल में रखवाओ, मैं इस बस्ती तक होकर आता हूँ। बहुत बेहतर है। प्यार बता।
चेकबुक राजनी से दिया। आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं बावरे, ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी सूरत देखकर राजनी को दुख होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर आप तो इतनी दूर से उसे मिलने आए हैं, मनाने नहीं जाएंगे? क्या ये सफर बेकार जाएगा मालिक? बदनसीब मुसाफिर, जब मंजिल के करीब पहुंचता है तो मंजिल दूर हो जाती है बावरे। मुझे यकीन हो चला है कि सायों के पीछे भागते भागते मैं एकदम बेदम हो जाऊंगा, रास्ते में मेरा दम टूट जाएगा, मैं मंजिल के करीब कभी ना पहुंच सकूंगा। ले जाओ। बिगड़ी हुई है, बाकी सब खैरियत है। ये लौटनी चीजें, ये कपड़े, ये जेवरात और ये क्या? मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। साहब ने कहा है कि ये चीजें उनका तोहफा नहीं, ये तो आपकी अपनी कमाई की है। मेरी कमाई भी उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है, ये उन्हें लौटा दो। ले जाओ ने बाबा। मुझे लाने का ऑर्डर था, ले जाने का नहीं। अगर हर चीज लौटानी थी तो उनका दिल भी दे दो, बहुत परेशान है। अब भी मालिक, ये रास्ता रागिनी की झोंपड़ी को जाता है, जहां खुशियां आपका इंतजार कर रहे हैं, और वो उन सुनहरी महलों को जाता है जिनमें आप उम्र भर रोते रहे। मगर वो कभी मुझसे नहीं मिलेगी, वो मुझसे बहुत दूर चली गई। मालिक जरा हिम्मत से काम लीजिए, जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि वो और दूर चली जाए।
गए ओ हम तेरे नगरिया में आए तुम जुग जुग जियो महाराज रे हम तेरी नगरिया में आए हम तेरी नगरिया में आए तरस रही मोरी अखिया तरस रही मोरी अखिया तेरे दरस की प्यासी प्यास बुझा जा सामने आ जा बिन देखे ना जाऊं आज रे हम तेरी नगरिया में आए ओ हम तेरी नगरिया में आए आस नहीं लिए मन तेरे हाथ हमारी लाज रे हम तेरी नगरिया में आए ओ हम तेरी नगरिया में आए तुम जुग जुग जियो महाराज 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 मुझे इस तरह तड़पा कर आपको क्या मिल जाएगा यह अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैं अकेला तड़प रहा हूँ ये यकीन क्यों ना था कि रागिनी आपसे दूर जहाँ कहीं भी रहेगी बेचैन रहेगी तो वापस लौट चलो दोनों को चैन मिल जाएगा सोचो मत अब कोई नाजी नादन बनकर हमारे प्यार को नहीं डर सकेगी आप उसे नागन क्यों कहते हैं वो तो आप पर मरती है वो मुझसे नहीं मरती वो तो ये चाहती है कि मैं उससे मरूं उसका प्यार तो खर्च उसकी चाहत परेज सावर तो तुम्हारा है आदमी तुम करे बहु लाडले अब मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती किसी ने सच कहा है प्यार कुर्बानी का दूसरा नाम है लाडले अब मुझे चैन आ रहा है लाडले हो सके तो मेरी लाश पर दो आंसू बहा देना बहती हुई आग शायद